नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेबीसी सेवन में। सबके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा होगा कि जैसे ही कोरोना वायरस के कारण दुनिया जो थम सी गई है, दुनिया में क्या होगा कोरोना वायरस जब चला जाएगा, यानी कोरोना वायरस के खात्मे के बाद दुनिया कैसी होगी, क्या उसमें बदलाव आ सकते हैं दुनिया में, और दुनिया कैसी दिखेगी कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद, और किन किन बड़ी चीज़ों में क्या क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया में क्या क्या बड़ी जो है बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक बड़ी महामारी है जो दुनिया में आने के बाद अनेक प्रकार की जो है समस्या लेकर आया है और दुनिया को एक बार बंद सा कर दिया है। इसलिए भारतवर्ष में भी ये लॉकडाउन कर दिया गया। कोविड-19 जो बीमारी है, ये बहुत बड़ी महामारी जो है घोषित हो चुकी है। इसके कारण दुनिया थम सी गई है। कोरोना का जो आतंक है वो कोई मामूली आतंक नहीं समझा जा सकता। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो खाद्यान्न पदार्थ है जैसे अनाज वगैरह, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जहाँ तक मेरा मानना है, जो किसान पैदावार करते हैं वो इसी तरह करते रहेंगे, क्योंकि उन जगहों पर सबसे पहले कोरोना की पुष्टि कर ली गई जहाँ जहाँ कोरोना का कोई मरीज नहीं है, और जहाँ जहाँ जो गांव में कोई मरीज नहीं मिला, तो किसान का जो खेती बाड़ी संबंधित जो भी कामकाज है वो सोशल डिस्टेंस के हिसाब से चल रहा है, यानी एक दूसरे से दूरी बनाने के बाद वो खेतों में अपने नॉर्मल काम कर रहे हैं, उनमें कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। जहाँ तक देखा जाए, हम आपको बता दें, भीड़ भाड़ शोर शराबा जो बाज़ारों में पहले अक्सर देखने को मिलता था, हर्ष उल्लास या मेले में या कभी भी जैसे व्रत पर्व त्यौहार के दौरान, ऐसा माहौल अब कुछ समय तक शायद हम ना देख पाएं, क्योंकि जैसे लॉकडाउन समाप्त हो गया और कोरोना हमारे देश से अगर चला भी जाता है, ख़त्म हो जाता है, कोरोना रूपी महामारी जो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, तो भी हमारा देश कुछ समय तक ऐसा नज़र नहीं आएगा जैसा कि पहले नज़र आता था। जिन चीज़ों में बदलाव होगा वो सबसे बड़ी ये होगी, जो हम घर पर बैठकर ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है बढ़ोतरी आएगी, यानी घर पर बैठकर हम सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं। और दूसरी बात रही साफ़ सफाई की, जैसे ही हम घर से कोई भी सामान लेकर आते हैं तो उसको अच्छी तरह से धोना और साफ करना हम कुछ समय तक नहीं भूलेंगे। हालांकि कुछ समय के बाद इंडिया में हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय तक बहुत ज़्यादा सफाई देखने को मिलेगी। खाने पीने में हम एक बार फास्ट फूड को भूल ही जाएंगे। शायद फास्ट फूड का ये ज़माना काफ़ी समय के लिए हमें खो देना पड़ेगा। फास्ट फूड में बहुत बड़ी कमी आएगी, फास्ट फूड बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या कहीं कहीं जहां बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जाती है और कोरोना बिल्कुल समाप्त होने के कुछ महीनों के बाद फास्ट फूड को इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सरकार पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा हम घर में जैसे कि दलिया या फिर कढ़ी चावल का ज़्यादा यूज करेंगे, जो कि हम घर पे करते आ रहे हैं। साइकिल की सवारी सबसे ज़्यादा होगी। जी हाँ दोस्तों, साइकिल पे जो है हम सबसे ज़्यादा प्रवाहन करेंगे एक दूसरे पे यहाँ आने जाने, जिससे हमारे जो शरीर की फिटनेस भी बरकरार रहेगी और हमारे को पोल्यूशन मुक्त भारत देखने को भी मिलेगा। हालांकि कोरोना महामारी जैसे ही आई, वो हमारे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर के इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर आई, लेकिन साथ में प्रकृति के लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि प्रकृति जहाँ इतनी स्वच्छ और निर्मल हो गई है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतनी स्वच्छता शायद हमने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि इतना स्वच्छ होगा। और सबसे बड़ी बात हम ये आपको बता देते हैं, जो भीड़ अक्सर पहले बसों में और रेलवे स्टेशन में बस स्टैंड पे अपने को देखने को मिलती थी, वो शायद अब दोबारा कभी भी ना मिले, क्योंकि लोगों का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। लोग एक दूसरे से दूरी बनाने के लिए या तो खुद का पर्सनल व्हीकल यानी पर्सनल साधन यूज करेंगे, या फिर हो सके तो वो भीड़ की बजाय कुछ समय ठहर कर ही जाना
प्रारंभ करेंगे, क्योंकि लोगों ने ये तो समझ ही लिया है कि हमें किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। जब दुनिया कुछ महीनों के लिए रुक सकती है तो हम कुछ घंटों के लिए क्यों नहीं रुक सकते। यह बात हर व्यक्ति के दिमाग में अच्छी तरह से घुस जाएगी, क्योंकि जो लोगों के दिमाग में बात आ गई है, समझ आ गई है कि दुनिया में जो लोगों को जल्दबाजी और जल्दबाजी में करने में जो काम में आनंद आता था, शायद अब वो आनंद उनको नहीं आएगा। लोग अपना मन टिकाकर पूरी अच्छी तरह से काम करेंगे। ऑनलाइन सर्वर सबसे ज़्यादा बढ़ेगा और सबसे ज़्यादा जो है घर से जो शॉपिंग हम ऑनलाइन करते थे ऐप के द्वारा, उनको सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी उन चीज़ों को मिलेगी जो हम ऑनलाइन खरीदते थे, यानी हम घर बैठे ही ज़्यादा सामान मंगाना पसंद करेंगे, जो कि पूरी तरह संभव नहीं है, क्योंकि अनेकों काम ऐसे होते हैं जो हमें घर से बाहर निकलकर करने पड़ते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें घर से बाहर निकलकर करने ही पड़ते हैं, हम घर में बैठकर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हर कार्य सोशल डिस्टेंस से ही होगा। लोग अक्सर घर से बाहर निकलेंगे तो अपना पर्सनल साधन या फिर साइकिल पर निकलेंगे। आप एक से दो या तीन सदस्य बहुत ही कम देखेंगे जो कि एक ही व्हीकल पर सवार हो। मोटरसाइकिल मानो एक या दो का ही बनकर रह जाएगा, मोटरसाइकिल पर दूसरी कोई भी सवारी हमें नजर नहीं आएगी। कोरोना के कारण हमने जो सीख ली है उससे हमें ये सीख मिलेगी, हर बीमारी के ऊपर हमने कंट्रोल करने की आदत बनानी होगी। और जो सबसे बड़ा स्टार पॉपुलेशन है वो पुलिस के जवान और डॉक्टर बनते होंगे, जो हमारे पुराने स्टार, जैसे कि हम क्रिकेट के स्टार्स को या फिल्म स्टार को मानते थे, उनकी जो है इमेज कुछ हद तक घटने की तरफ होगी। हालांकि क्रिकेट जगत के लिए निराशा की बात है कि हम क्रिकेट को कुछ समय के लिए खो देंगे, क्योंकि क्रिकेट के जो ग्राउंड में जितनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ शायद हम काफ़ी लंबे समय तक न कर पाएँ, जब तक कोरोना पर पूरी दुनिया में अगर जो है जीत हासिल नहीं होगी, तब तक क्रिकेट शायद बिल्कुल ही पाबंद रहेगा। क्रिकेट पर किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। ये एक क्रिकेट जगत के लिए बहुत दुखद खबर है। क्रिकेट जगत के जितने भी खिलाड़ी या स्टार है, उनके लिए ये अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने का समय है, शायद ये बात उन्हें मान लेनी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान बहुत सी चीज़ों में बदलाव हुए हैं। उन बदलावों के कारण हमारी दुनिया कुछ हद तक अच्छी भी हुई है, क्योंकि हम साफ सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें बुरी भी होगी, जैसे कि खांसी, जुखाम, सर दर्द, गले में खरास, जो हम नॉर्मल बीमारी मानते थे, उन बीमारियों के प्रति हमारी जो उत्सुकता ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनसे घबराहट हमें ज़्यादा होने लग जाएगी। क्योंकि पहले जैसे खांसी, जुकाम, सर दर्द अगर होता था तो हम नॉर्मल घर में ही गर्म पानी से गरारे या फिर नॉर्मल ही दवाई लेकर रह जाते थे। लेकिन जब ये लक्षण कोरोना से मिलते जुलते पाए जाते हैं, यानी कोरोना के भी लक्षण खांसी और गले में खराश या फिर थकावट जैसे हैं, तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि ये बिल्कुल नॉर्मल बीमारी होती थी खांसी जुकाम हमारे जीवन में, अब कोरोना के बाद इनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कोरोना से मिलते जुलते लक्षण होने के कारण इन बीमारियों पर हमारा ध्यान ज़्यादा रहेगा। और जैसे ही ये बीमारी हमारे आती है, हम डॉक्टरी सलाह तुरंत लेंगे। हालांकि ये अच्छी बात है, खांसी और जुकाम को जितना जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए तो परिवार के सदस्यों में नहीं फैलती, क्योंकि खांसी भी मानो तो एक दूसरे से ही फैलती है, हालांकि ये बड़ी बीमारी नहीं है। कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी और बड़ी बीमारी है, इसका कोई इलाज अभी तक पूरी तरह नहीं बना है, पूरी तरह कोई वैक्सीन अभी तक निर्मित नहीं हुई है। भारतवर्ष में अनेक डॉक्टरों का दावा किया जा रहा है कि जो है कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द बन जाएगी। हालांकि उनकी ये बात सच हो तो ये बीमारी बिल्कुल ही छोटी बन जाएगी और सूक्ष्म बन जाएगी, क्योंकि इसका इलाज होने के बाद ये बीमारी ज़्यादा हम नहीं फैलने देंगे। जैसे हर घर में जाकर इसकी दवाई देने के बाद इंडिया से जैसे कोरोना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस बीमारी का एक बार समापन होने के बाद दोबारा जन्म होना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन हमारी दुआ है जल्द से जल्द वैक्सीन बन जाए और इंडिया
दोबारा पहले जैसा हो जाए, पहले जैसी रौनक हर गली में हो, हर मोहल्ले में हो, हर शहर में हो, हर गांव में हो, ये हमारी दुआ है। लेकिन कुछ समय तक कोरोना समाप्त होने के बाद भी जो भारत है थम जाएगा, दुनिया का हर एक हिस्सा रुका हुआ सा नज़र आएगा, क्योंकि हमने कोरोना से तो जो है जीत हासिल कर ली, लेकिन हमारी मानसिक जो संतुलन है वो फिर भी खराब रहेगा, यानी इसी तरह का रहेगा जो हम पूरी तरह घबराहट देखते रहेंगे। बने रहे JBC7 के साथ, फिर मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद।